क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या है बेटा ये सारा मामला, क्या हुआ है आपके साथ? जी कल रात को हम अपने घर पर थे, हम बाहर बैठे थे जी, तो जनाब हमारे पास आए और कहने लगे हमारे घर तुमसे चलो खाना बनाना है। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है मना दे। कौन आया था जी? गोविंदास। गोविंदास ये कहाँ रहते हैं गोविंदास? जी हमारे घर के सामने रहते हैं, मतलब फरसौलियाने में। जी फरसौलियाने जी, बताइए। तो हमने कहा ठीक है चलते हैं, तो हम अपना मोबाइल दोस्तों को दे गए, वीडियो देखने लगे और हम चले गए। तो ये अंदर हमें लेवा गए और अपने अंदर वाले कमरे में ले गए और इन्होंने ये नंगे हो गए। अच्छा। और जब इन्हें कुछ मिला नहीं तो इन्होंने मंगे का तेल हमारे साथ डाल दिया। अच्छा। और ये हमारे साथ छेड़खानी करने लगे। अच्छा। बस कुछ ही 15-10 मिनट तक उन्होंने ऐसा ही हमारे साथ फुसलाया, तो जब तक हमारे दोस्त आ गए और हम बाहर आ गए तो उन्होंने हमें छोड़ दिया। अच्छा, तो बात खत्म हो गई। आपके साथ असली हरकत की गई जी। हाँ, तो फिर आज क्या हुआ फिर? आज जब हम सवेरे यहाँ पर खड़े थे, हमें दुकान पर जाना था वसूली करने। जी जी। तो हमें क्या वसूली करने जाने हैं? तो कह रहे हैं नहीं। क्या काम है आपका, किस चीज की वसूली करने जा रहे थे जी? हमारे पापा तेल वेल का काम करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो हमें वही रुपए लेने जाना था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और फिर क्या हुआ? तो फिर हमने कहा हमें कराने दो, तो कहने लगे तुम ज्यादा ज्यादा एक दिन में कितने कमा लोगे? कर कर 100-150 रुपए जी। तो हमने कहा हाँ इतने ही तो आते हैं, इनमें तो कौन जान मार जाने। तो हमने कहा आपको कहने लगे जब तक हम 5-10 हजार रुपए या 2-3 हजार रुपए नहीं कमाते हमें मजा नहीं आता, तो हमारे घर चलो तुम हमसे रुपए ले लेना। अच्छा। और हमसे दाल बनाने को कहता है। हम समझ गए चीज का जाल दाल। अच्छा दाल जी। तो हम समझ गए थे कि कल रात जैसा ही आप हमारे साथ करेंगे। हमने कहा हम नहीं जा रहे हैं। तो कहना ये कहने लगे नहीं दाल ही बनानी है। तो हम फिर हिम्मत कर कर चले गए, लेकिन हमने वही पाया कि हमारे साथ फिर वही करने लगे। अच्छा, अच्छा। जी हमने दाल को कटोरी में डाला। अच्छा। नापने लगी तो बस ये कहने लगी चलो नीचे चलते हैं दाल नहीं बनानी है। अच्छा अच्छा। जी बस उतने में अपने अंदर लेवा गए और ये नंगे हो गए। अच्छा। फिर हम चिल्लाने लगे हमने मना किया, तो हमने वहाँ अपनी रिकॉर्डिंग लगा दी थी। अच्छा। ये बाद में झूठ बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा जी। तो हमने रिकॉर्डिंग लगा दी थी, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा रिकॉर्डिंग है आपके पास? अच्छा। उसमें ज्यादा साफ नहीं है आवाज। तो फिर हम जब चिल्लाए तो मोहल्ले वाले आ गए। अच्छा, आपने चिल्लाना स्टार्ट किया तो वहाँ मोहल्ले वाले पहुँच गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि वो कहने समी मेम्बर आ गए हमारे मोहल्ले के हैं जो। हाँ। कहने लगे तुम पुलिस को फोन करो। अच्छा। ऐसा ही जब ये 2-3 दिन तो हमें कर चुके हैं। अच्छा। और एक बार यही और हुआ था हमारे साथ, ये शाम को हमारे घर आए। हाँ। और कहने लगे हमारे दारू ले दो। अच्छा। तो हम गए नहीं, लेकिन फिर भी हम चले गए। तो उन्होंने नहीं दी, तो कहने लगा तुम्हें किसने नहीं दी, चलो हमारे साथ, हमारी सरकार है, तुझे किसने नहीं दिया। अच्छा अच्छा। हम चलते हैं कैसे नहीं देता है। अच्छा। तो हमें दारू के ठेके पल्ले वाले गया और इन्होंने दारू ली और अपने घर चले गए। अच्छा। कब से आपका सोशल ये कर रहे हैं? कितने साल है, कितने महीने हो गए हैं? 3 दिन से। 3 दिन से बराबर परेशान कर रहे हैं। अच्छा, एक बार और ऐसे ही परेशान किया था इन्होंने। अच्छा अच्छा। तो तुमने किसी घर वालों को बताया कि ये ऐसा करते हैं कुछ? नहीं बताया, हमने सोचा इनकी बीवी कहने लगती थी हमें कि वो दारू पी लेता है तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है चलो, लेकिन जब आज इन्होंने किया तो हमें गुस्सा ही आ गई और हमने बता दिया, पुलिस वालों को फोन कर दिया। नहीं नहीं सही किया। अरे क्या मामला हो गया अभी यहाँ पर? इधर बैठे थे हम लोग, एकदम से आवाज आई अंदर, देखा जहाँ कैसी आवाज आई, क्या सुनाई दिया? चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, तो अंदर गए हम लोग, तो देखा वो मतलब वो अपने कपड़े उतारे थे, पूरी लड़की को उतार रहा था। अच्छा, कितने लोग गए थे आप यहाँ से? इधर से हम हो रहे थे 6-7 लोग गए थे। क्या दरवाजा खोल रखा था या आपने खुलवाया है? नहीं खोला रखा था, बाहर का खुला था, अंदर का मतलब उड़काए थे। तो क्या देखा आपने? कपड़े उतारे थे और जबरदस्ती पकड़ रहा, लड़के के साथ जबरदस्ती कर रहा था। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।